जवान शाहरुख की 2023 में रिलीज होने वाली दूसरी पैन इंडिया मूवी होगी, जिसे हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इससे पहले शाहरुख खान की पठान मूवी 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। जवान मूवी को थिएटर में 2 जून को रिलीज किया जाएगा। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी, जिसे साउथ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर एटली कुमार डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के अलावा इस मूवी को एटली कुमार ने लिखा भी है। एटली कुमार जवान मूवी से पहले राजा रानी, विजय की मूवी थेरी, मार्शल और बिगिल को डायरेक्ट कर चुके हैं। एटली कुमार की एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। जिस तरह बॉलीवुड की 80% से ज़्यादा मूवी इस साल फ्लॉप हो चुकी हैं, इसलिए बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अब साउथ के एक्टर को भी अपने फिल्मों के लिए अप्रोच कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड मूवी देखने को मिलेंगी, जिसमें साउथ के एक्टर और एक्ट्रेस देख सकते हैं, जिसमें शाहरुख खान की जवान मूवी भी शामिल है। SRK की जवान मूवी में साउथ की फेमस एक्ट्रेस नयनतारा भी मूवी में लीड रोल में दिखेंगी। नयनतारा के रोल के लिए उनसे पहले समांता को चूज किया गया था। इनके अलावा साउथ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर विजय सेतुपति भी इस मूवी में निगेटिव रोल में दिखेंगे। विजय के रोल को विजय से पहले राणा दग्गुपति को अप्रोच किया गया था, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से राणा दग्गुपति को मूवी छोड़नी पड़ी। इस मूवी के प्रोड्यूसर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार SRK ने इस मूवी के लिए सभी एक्टर और एक्ट्रेस को मोटी रकम दी है। अकेले विजय को उनके रोल के लिए 20 करोड़ रुपये का अमाउंट दिया गया है। सपोर्टिंग रोल में आपको सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू दिखेंगे। जवान मूवी को 160 दिनों के शेड्यूल में शूट करना था, जिसमें 65 दिनों की शूटिंग पूरी ऑलरेडी हो चुकी है। दीपिका पादुकोण इस मूवी में आपको स्पेशल कैमियो के रोल में दिखेंगी। जवान मूवी का ऑफिशियल टीजर और मूवी पोस्टर रिलीज किया जा चुका है। ऑफिशियल पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जवान मूवी को 1990 की हॉलीवुड मूवी डार्क मैन की कॉपी बताई जा रही है। इसका कारण डार्क मैन और जवान मूवी का पोस्टर सेम है, बल्कि ऐसा कुछ ऑफिशियली SRK और एटली कुमार ने कंफर्म नहीं किया है कि यह मूवी डार्क मैन की कॉपी है।